नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कावेंद्र चौहान। वक्त हो चुका है उत्तराखंड के खास बुलेटिन अपना उत्तराखंड का। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कालाढूंगी में कांग्रेस कार्यकर्ता पीयूष बिष्ट को प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव बनाए जाने पर उन्होंने पार्टी हाईकमान हरीश रावत, गणेश गोदियाल, प्रकाश जोशी और क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद और किसानों का धन्यवाद किया है। समय समय पर कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े रहने और लगन से कार्य करने का वादा भी किया गया है। कांग्रेस पार्टी जिला नैनीताल के पीयूष बिष्ट को प्रदेश सचिव के पद पर मनोनीत किया गया है। इस मनोनयन कार्यक्रम के तहत पीयूष बिष्ट को बधाई देने के लिए यहां पर हम लोग सब एकत्रित हुए हैं और कांग्रेस हाईकमान का धन्यवाद करते हैं, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष गोदिया जी और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी का हम यहाँ पर धन्यवाद करते हैं। कांग्रेस के हाईकमान द्वारा माननीय प्रदेश अध्यक्ष गोदियाल जी और श्री बड़े भाई प्रकाश जोशी जी के आशीर्वाद से मेरी, मुझ जैसे एक छोटे कार्यकर्ता, जो कि मैं पहले यूथ में कोटाबाग का ब्लॉक अध्यक्ष था, मुझ जैसे एक छोटे कार्यकर्ता की मेहनत और लगन को देखते हुए प्रदेश का कांग्रेस कमेटी का सचिव नियुक्त किया गया है। तो मैं इसमें अपने हाईकमान का, गणेश गोदियाल जी का और बड़े भाई प्रकाश जोशी जी का और क्षेत्र की जनता, जिन लोगों के प्यार और आशीर्वाद हमें समय समय पर मिलता रहा है, क्षेत्र समस्त किसानों का, इन सब लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं। वहीं लालकुआ विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय विधायक प्रत्याशी कुंदन मेहता ने लालकुआ विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्रों में ताबड़तोड़ जनसंपर्क किया। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी कुंदन मेहता को पूर्व सैनिकों, भूमिहीनों और युवाओं का भरपूर जन समर्थन भी मिला। उन्होंने जनता से बिंदुखत्ता राजस्व गांव पर एकजुट होने की अपील की। इसी के साथ ही उन्होंने विधानसभा चुनाव में जनता से अपने पक्ष में मतदान करने की भी अपील की है। तो लालकुआ से तस्वीरें देख रहे हैं आप, जहां पर कुंदन मेहता का ताबड़तोड़ जनसंपर्क जारी है। ऐसे में उन्होंने मतदाताओं से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की है। प्रधानमंत्री मोदी जी उत्तराखंड में आए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। लेकिन साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि आज बीच में कोरोना काल से काफ़ी दिनों से बच्चे विद्यालय नहीं जा पाए थे, जो कि मोबाइलों से ही पढ़ाई होती थी, और आज जब विद्यालय खुले तो अब विद्यालय पूरे बंद पड़े हैं, चाहे प्राइवेट विद्यालय हों या सरकारी विद्यालय हैं, सब बंद पड़े हैं। और गौला नदी में आदमी लेबर हैं, गाड़ी वाहन स्वामी हैं या वाहन चालक हैं, अन्य जो भी लोग वहाँ पर कार्यरत हैं या जो उन गाड़ियों से पलते हैं, ये लोग आज सब प्रभावित हैं, क्योंकि गौला नदी भी सब बंद कर दी इन लोगों इन्होंने आज उनके दौरे से। तो इसलिए मेरा यही मानता हूं मैं कि सब काम सुचारू रूप से करने चाहिए थे और उनका आना अच्छा है। विधानसभा चुनाव की तैयारी में सभी राजनीतिक पार्टियां जुट गई हैं। सभी पार्टियों ने प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। आम आदमी पार्टी भी प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। मंगलौर विधानसभा में नवनीत राठी को आम आदमी पार्टी ने मंगलौर विधानसभा प्रभारी बनाया है। वहीं नवनीत राठी अपने कार्यकर्ताओं के साथ मंगलौर में डोर टू डोर जाकर लोगों से मिल रहे हैं और अपनी पार्टी की नीतियों से लोगों को अवगत करा रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है जी, सबसे मिलके और आम आदमी पार्टी की तरफ, एक तीसरे विकल्प की तरफ जो हम कहते आए हैं, सबकी बहुत उम्मीद है। कोई अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा और हमारे सब युवा भाइयों को रोजगार, जो मंगलौर हमारी पूरी विधानसभा जिन चीज़ों से त्रस्त है, और बदलाव की ओर मंगलौर हर तरीके से तैयार है। ये मंगलौर नगर जो है, ये मंगलौर विधानसभा का एक महत्वपूर्ण ब्लॉक है और यहाँ हमने घर घर जनसंपर्क का अभियान आज से शुरू किया है और आज हमने लगभग 300 घरों में जाकर संपर्क किया और वहाँ से हमें बड़ा अच्छा रेस्पॉन्स हो रहा है, लोग पार्टी की नीतियों को पसंद कर रहे हैं। दर्शकों, उत्तराखंड में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे तमाम राजनीतिक पार्टियां
अपनी तैयारियों को धार देने में लगी हुई हैं। वहीं बीजेपी ने भी अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। ऐसे में रुड़की से बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा से बात की हमारे हरिद्वार ब्यूरो चीफ मोहम्मद अजीम ने। क्या कुछ कहा प्रदीप बत्रा ने, आप भी सुनिए। नेता वही जो जनता के दुख सुख में 24 घंटे तत्पर रहे, ऐसी शख्सियत रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा जी हमारे साथ मौजूद है, जो करीब 15 साल से रुड़की की जनता की सेवा में लगे हुए हैं। पहले वो नगर पालिका अध्यक्ष रहे, उसके बाद 10 साल से विधायक हैं और जो रुड़की की जनता से लगातार संपर्क में रहते हैं, हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं। विधायक जी, सबसे पहले निर्भर इंडिया में आपका स्वागत है। धन्यवाद सिंह भाई। आप रुड़की की जनता की सेवा कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी समाज हो, मुस्लिम समाज हो, दलित समाज हो या पंजाबी समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, सभी लोग आपके संपर्क में रहते हैं। इस बार 2022 का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, किस तरह से दिख रहे हैं? देखिए, राजनीति में आने का उद्देश्य यही है कि सेवा कार्य करा जाए, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये लक्ष्य भी रखा है कि मैं मुख्य सेवक हूँ, जितने सभी जनप्रतिनिधि हैं वो सेवक हैं, तो सेवा के रूप में ही हम लोग कार्य कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने नारा भी दिया है कि सेवा से ही संगठन है, संगठन भी हमारा सेवा के रूप में काम करता है। आप देखिए, कोरोना काल में सभी पार्टियां अपने अपने घरों में घुस गई थी, सभी राजनीतिक लोग। आपने कोरोना काल की बात करी, जहां तक मुझे जानकारी है सबसे पहले रुड़की में 150 बेड का अस्पताल अपने पर्सनल खर्चे से बनाया, उसके बाद शायद ऑक्सीजन का प्लांट भी लगवाया आपने, इससे जनता को कितनी राहत मिली? जी हाँ, ये सच्चाई है, कोरोना काल में लोगों ने 150 बेड का अपने खर्चे से जो हॉस्पिटल बनाया और उसमें सभी लोगों का सहयोग मिला, सभी एनजीओ ने उसमें सपोर्ट करा, और वो एक संजीवनी बूटी साबित हुआ कोरोना टाइम में, जब बेड की उपलब्धता नहीं थी, ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं थी, और आइसोलेशन सेंटर वहाँ पर हम लोगों ने बनाया, टेस्टिंग वहाँ फ्री चलती रही, वैक्सीनेशन वहाँ पर हुआ, तो उसे ना सिर्फ रुड़की बल्कि आसपास के सभी लोगों को उसका लाभ मिला, और वो एक सफल प्रयोग रहा। और वैक्सीनेशन आज भी लगातार हमारे कैंप ऑफिस में चल रहा है, और एक साल से ज़्यादा हो गया है वहाँ पर लोगों को वैक्सीनेशन और फर्स्ट एड की सुविधा वहाँ पर उपलब्ध है। विधायक जी, आप दोनों ही सरकारों में रहे, 2012 से 15 तक आपने कांग्रेस के विधायक रहे और कांग्रेस की सरकार थी, फिर 2017 से अब तक भाजपा की सरकार है, आप विधायक हैं, आपने दोनों ही सरकारों में काम करवाया पूर्ण से, क्या ऐसे कार्य रह गए हैं जो अभी तक आप रुड़की की जनता के लिए नहीं करवा पाए, कुछ ऐसे कार्य क्या है? देखिए, माई सिटी माई प्राइड, मेरा शहर मेरा गौरव, मैंने नारा दिया, और माई सिटी माई प्राइड के साथ ग्रीन क्लीन और स्मार्ट सिटी का नारा जो हमने दिया उसको साकार करने की कोशिश करी। रुड़की में सीवरेज का काम हो, चाहे ड्रेनेज का काम हो, चाहे सड़कें चौड़ी करने का काम हो, सड़कों पर लाइटें लगने का काम हो, पार्क्स बनने हो, गली गली में सौंदर्यकरण कराना हो, और कोई गली ऐसी नहीं रुड़की जो निर्माण ना हुआ हो, गड्ढा मुक्त रुड़की आज बन चुका है, तो इसके तहत हम लोगों ने काम किया, एक रोड मैप के तहत हम लोगों ने काम किया, और सरकारी योजनाएं जितनी भी आई सबको लोगों तक पहुंचाया, चाहे वो पेंशन बननी हो, दिव्यांग पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, और सरकारी जितनी स्कीम्स हैं, गौरी कन्यादान है, गरीबों को मुख्यमंत्री राहत कोष से पैसे दिलाना, ये सारे कार्य हमारे सेवा केंद्र पर लगातार चलते रहते हैं, लगातार हम जनता के बीच में रहते हैं, लगातार लोगों के संपर्क में रहते हैं। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के रुड़की के विधायक प्रदीप बत्रा, जिनका साफ तौर से कहना है कि मैंने लोगों का के साथ जुड़ के रहा हूं और मैं किसी चुनौती को नहीं मानता भी। अपने सहयोगी विनोद चौधरी के साथ मैं मोहम्मद अजीम, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, हरिद्वार, रुड़की। वही बसपा के कार्यकर्ता सम्मेलन पर भगवानपुर विधायक ममता राकेश ने चुटकी लेते हुए कहा कि कार्यकर्ता सम्मेलन नहीं चुनावी रैली थी, जिसमें सुबोध राकेश ने दावा किया था कि 10-15 हज़ार लोग शामिल होंगे, लेकिन सुबोध राकेश भीड़ जुटाने में पूरी तरह से नाकाम रहे। सुबोध राकेश बड़ी मुश्किल से 1.5-2 हज़ार की संख्या में लोगों को इकट्ठा कर पाए। ये बसपा कार्यकर्ता सम्मेलन नहीं था, ये बसपा की रैली थी, चुनावी रैली थी, और जो इतना सफल नहीं था जितनी की उम्मीद लगाई जा रही थी। जैसा कि बसपा के नए नए नेता अभी अपने घर में बता रहे हैं कि घर में गए हैं, उन्होंने कहा था कि यहाँ 10-15 हज़ार की भीड़ होगी, उस लिहाज से कुछ भी इतना मुश्किल से 1.5-2 हज़ार आदमी यहाँ पर वो पूरी मशक्कत के बाद जुटा पाए। 2022 में कांग्रेस चुनाव जीतेगी, हम चुनाव जीतेंगे। मैंने आपको बार बार कहा कि सुबोध राकेश जी अपने बड़े भाई स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी को और मेरे पति स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी को अपना राजनीतिक गुरु बताते हैं, पिता तुल्य बताते हैं, उनके नाम पर केवल राजनीति करते हैं। आज उन्होंने उनका अपने भाषण में कहीं नाम तक नहीं लिया, ये बहुत दुख की और चिंता की और सोचने वाली बात है।
जोशीमठ पंचम केदार कल्पेश्वर महादेव और ध्यान बद्री उर्गम घाटी को जोड़ने वाली सड़क हेलंग उर्गम मोटर मार्ग अचानक चट्टान दरकने के कारण बुरी तरह से धंसकर टूट गया। वहीं मोटर मार्ग टूटने के कारण यातायात बाधित हो गया, जिस कारण पंचम केदार कल्पेश्वर महादेव के दर्शन के लिए आए 250 से ज्यादा पर्यटक फंस गए। बता दें कि हेलंग उर्गम मोटर मार्ग सड़क 20 से ज्यादा गांव की लाइफलाइन मानी जाती है। अभी जानकारी प्राप्त हुई है कि हेलंग उर्गम मोटर मार्ग जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है के अंतर्गत है, एडीबी खंड जो है गोपेश्वर और हेलंग से जो है किलोमीटर 3 से 4 के बीच में जो है कि काफ़ी हिस्सा जो है 2 बैंड टूट गए हैं और रोड की कनेक्टिविटी नहीं होने से जो है यहाँ उर्गम में भी लगभग 200-250 यात्री फंसे हुए हैं और यातायात के साधन लोग यहाँ पर जो भी डुमा कलगोट पल्ला की मणा और उर्गम वैली के जो है 5-6 ग्राम सभाएँ हैं, सभी के लिए जो है कि मूलभूत सुविधाएँ जो भी सामग्री है उसको लेने में कठिनाई होगी। सरकार को इस पर जल्दी से विचार करना चाहिए और आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी है, इसके लिए भी जो है बड़ी परेशानी हो सकती है। वहीं उत्तराखंड सरकार की तरफ से मंडियों में नए नियम के तहत 2% मंडी शुल्क और 50% विकास से शुल्क बढ़ाए जाने को लेकर व्यापारियों में भारी रोष है। व्यापारी मंडी शुल्क में की गई बढ़ोतरी को वापस किए जाने की मांग कर रहे हैं। बढ़ाए गए शुल्क को लेकर गुड़ मंडी व्यापारी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए और नए नियम को वापस किए जाने की मांग की है। व्यापारियों ने साफ तौर पर चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर सरकार ने गुड़ मंडी पर बढ़ाए गए टैक्स को कम नहीं किया तो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे रहेंगे। तो मंडी शुल्क को घटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। व्यापार मंडल ने मंडी शुल्क के कम किए जाने पर अपना प्रदर्शन किया है। गुड़ मंडी से जुड़े हुए हैं, हर जगह टैक्सेशन माफ़ किया गया है, हरियाणा हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो, वहाँ पे इतने बड़ा व्यापार है। हरियाणा में चावलों का बड़ा व्यापार है, वहाँ पे टैक्स मंडी समिति की छूट दी गई है। दिल्ली में दालों का बड़ा व्यापार है, वहाँ पे मंडी समिति नहीं लगती है। हमारे यहाँ गुड़ का छोटा सा व्यापार है, पहले ही हम एक साल से इसमें दिक्कत झेल रहे हैं कि बाहर गवर्नमेंट ने फ्री कर दिया था, हमारे यहाँ टैक्स था। एक साल से तो हमने बड़ी परेशानी करके इसे कारोबार को चलाया है, लेकिन अब हमारे निकटवर्ती राज्य यूपी में भी 1.5% कर दिया गया है और हमारे यहाँ 2.5%। तो हमारे यहाँ कुल्लू वाले सब माल बेचने के लिए भी यूपी ही जा रहे हैं, हमारे यहाँ कोई माल लाना भी पसंद नहीं कर रहा है। हमारा व्यापार बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। मैं राज्य सरकार से यही अनुरोध करूँगा कि इसे जल्दी से जल्दी मंडी शुल्क को हटाया जाए, जिससे कि लोग बाग महंगाई की डर से भी बच सके। तो फिलहाल छोटे से एक ब्रेक ले रुकेंगे, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। वेदांता एक ऐसा शैक्षिक संस्थान जहाँ होता है बेहतर शिक्षा का सही समाधान। सिविल सर्विसेज एग्जाम हो या फिर डिफेंस सर्विस एग्जाम, यहाँ सिविल शिक्षा की बारीकियों से रूबरू कराती अर्चना यादव कपूर। इस इंस्टीट्यूट को देहरादून में पॉपुलरली वेदांता आईएएस अकेडमी के नाम से जाना जाता है। इंस्टीट्यूट की स्थापना हमने 2006 में करी, उसके बाद निरंतर यहाँ से कई छात्रों ने अपनी तैयारी करी और सफलता प्राप्त करी। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं या फिर जो उत्तराखंड की महिलाएं हैं उनके लिए हमने कुछ सीट्स रिजर्व करी हैं, ताकि किसी भी वजह से कोई भी बच्चा, कोई भी छात्र आईएएस जैसी एग्जाम की तैयारी या पीसीएस जैसे एग्जाम की तैयारी से वंचित ना रह जाए। हमारे संस्थान से शिक्षा पाकर कई बच्चे यूपी और उत्तराखंड सरकार के अलग अलग विभागों में उच्च स्तर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। My name is Himani Pathak and I qualified PCS, UK PCS 2012 and I'm currently serving as Assistant Commissioner for Cane and Sugar Department and I just want to express my gratitude and wishes to Amit sir and Arshna ma'am for their venture Vedanta. And I just Good afternoon everyone, my name is Shivani Tripathi. I'm posted as Assistant Commissioner State Tax with Government of Uttarakhand. When I started preparing for civil services, I joined Vedanta under the guidance of Amit Kapoor sir. तो फिर देर किस बात की? आज ही लीजिए एडमिशन और कीजिए अपना IAS PCS का सपना साकार. Vedanta, an exclusive IAS Institute of Dehradun, Uttarakhand. 11A Nimbuwala, opposite RIMC Main Gate, Garhi Cat, Dehradun. Mobile number 9319700579. At GLA University, we make the way. We inspire. We are a family bound by a common bond. We
we need. We innovate. The record breakers. The cheer makers. The dreamers. GLA University. Whether the goal is to get a job or to create a job. नैनीताल पहुंचे पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड अशोक कुमार ने पुलिस उप महानिरीक्षक कार्यालय नैनीताल में मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि जघन्य अपराधों के निस्तारण के लिए दी जाने वाली इनामी राशि 27 सालों बाद बढ़ाई गई है, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक 20,000 रुपये इनाम दे सकते हैं, पुलिस उप महानिरीक्षक 50,000 तक का इनाम दे सकते हैं और पुलिस महानिदेशक की तरफ से 2,00,000 तक का इनाम दिया जा सकता है। नैनीताल और मसूरी टूरिस्ट प्लेस होने के नाते नए साल पे यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की समस्या रहती है, तो कृपया करके हमने एक योजना बनाई है कि नैनीताल और मसूरी वही लोग हैं जिनके पास शॉपिंग की बुकिंग है, बाकी लोग आएंगे नहीं तो उनको बुकिंग मिलेगी, ठंड नहीं ज़्यादा है फिर उनको सड़क में भटकना पड़ेगा और उससे ट्रैफिक जाम बढ़ेगा, तो ये हमारी अपील को सुनी। दूसरा, देहरादून पुलिस ने भी और नैनीताल पुलिस ने भी अपने सोशल मीडिया पेज पे, उत्तराखंड पुलिस के पेज पे एक अपना ट्रैफिक प्लान जारी किया है, उसको देखते हुए यात्रा करें नहीं तो फंस जाएंगे। हमने कोशिश किया कि कुछ वन में बन जाए कई जगह पर, तो उसका पालन करें लोग बाग तो उनको सुविधा होगी, खुद को भी सुविधा होगी और उनको खुद को असुविधा नहीं होगी और औरों को भी परेशानी में डालने से बचेंगे। आने वाली इस तैयारी के मोड में आ चुके हैं, अपराधियों में शिकंजा कसा जा रहा है, आपको पता है कितने हमने अभियान चला करके उसको किया है, आगे और प्रिवेंटिव कार्रवाई बढ़ाएंगे और चुनाव को हर हालत में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से कराएंगे और किसी भी हालत में अपराधियों को या राजक तत्वों को चुनाव का माहौल खराब करने नहीं दिया जाए। माओवादी गतिविधियों, कुछ ऐसी गतिविधियाँ सामने आई थी उससे पहले कुछ माहौल बना था, कुछ वॉल राइटिंग्स पहले से चल रही थी और इसलिए धारी वाली घटना हुई थी, मुझे विश्वास है कि इस बार ऐसी कोई वो नहीं आने देंगे। आपको जैसा आपने खुद कहा, हमारे समस्त इनामी और वांछित माओवादी पकड़े जा चुके हैं, तो मुझे उम्मीद है कि इस बार उस फ्रंट पे हमें कोई थ्रेट नहीं होना चाहिए। पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर विधानसभा के प्रमुख द्वारीखाल महेंद्र सिंह राणा ने दुगड्डा विकासखंड के अंतर्गत जनता इंटर कॉलेज में निर्धन छात्र छात्राओं को अध्ययन सामग्री का वितरण किया। बता दें कि इससे पहले द्वारीखाल दुगड्डा ब्लॉक के 15 विद्यालयों में निर्धन छात्र छात्राओं को अध्ययन सामग्री बांट चुके हैं। आज यमकेश्वर विधानसभा के अंतर्गत दुगड्डा ब्लॉक में जनता इंटर कॉलेज पोखरी में बच्चों से रूबरू होंगे, जो मैंने जरूरतमंद बच्चे जिनको गोद लिया है उनसे वार्ता होगी, गुरुजनों से वार्ता होगी और किस तरह से हम और विचार विमर्श करके बच्चों के भविष्य के लिए किस तरह से और हम व्यवस्थाएं बना सकते हैं इस बारे में चर्चा है। और मेरी एक छोटी सी पहल, मैं उनकी किस तरह से उस क्षेत्र को और अच्छा कर सकूं, मैं हमेशा उन बच्चों के साथ हूं, उन गुरुजनों के साथ हूं और बड़े अच्छे सुझाव मुझे उन बच्चों से मिले, उन गुरुजनों से मिले और मेरा प्रयास रहेगा उन सुझावों पर अमल करना और बेहतर बनाना। वहीं ऋषिकेश के आवास विकास स्थित सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज का वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया। मौके पर छात्र छात्राओं ने उत्तराखंड, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात की संस्कृति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल, राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर पंकज पंत, डॉक्टर विजय पाल सिंह पहुंचे। मुख्य अतिथियों ने कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया है। इसी के साथ ही विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कार्यक्रम में भाग लेने वाले छात्र छात्राओं को उत्साहवर्धन के लिए पुरस्कार राशि देने की घोषणा की है। ने प्रयास किया कि अपनी भारतीय जो संस्कृति है, क्योंकि आज विद्यालय बहुत चल रहे हैं, पब्लिक स्कूल भी चलते हैं, अन्य सरकारी स्कूल भी चलते हैं, लेकिन हमारे कार्यक्रम की विशेषता यह है कि हमने महाराष्ट्र से लेकर गुजरात से लेकर सभी संस्कृतियों का कार्यक्रमों के माध्यम से यहाँ पर वर्णन किया और हम अपने भैया बहनों को अंग्रेजी और गणित और अन्य विषयों के साथ साथ देशभक्ति से भी ओतप्रोत करना चाहते हैं। हरिद्वार में भारत मंदिर इंटर कॉलेज के पास चल रहे नाला निर्माण में मानकों के अनुसार निर्माण कार्य नहीं करने का मामला सामने आया है। वहीं भारत मंदिर इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य ने स्कूल की भूमि को नाला निर्माण में खुर्द बुर्द करने की आशंका जताई है। इसी के साथ ही उन्होंने एनएच के अधिकारियों से निर्माण कार्य का वर्क ऑर्डर और नक्शा दिखाने की मांग की है।
हम कह रहे हैं कि मानक के अनुसार कार्रवाई हो और जो भी कानून के अंतर्गत आ रहा हो उसे करें, क्योंकि पहले के मानकों में अब के मानकों में अंतर हो गया है। और इसके लिए हम कह रहे हैं कि जो भी आपके पास आदेश है, जो भी आपके पास मैप है, कोई भी इस प्रकार की कार्रवाई की आपके पास किसी भी प्रकार का दस्तावेज है, आप तुरंत हमको उसको दिखाइए और फिर उसके बाद कार्रवाई करें। यदि अगर हमारा जगह हमारी जगह वो है तो उसको बिल्कुल हम किसी भी कीमत पर जो है उसमें किसी भी प्रकार का नाला नहीं बनने देंगे। कितने दिनों से आप लोग कागज मांग रहे हैं, कागज नहीं दिखा पा रहे अधिकारी है? हम जब से काम शुरू हुआ लगभग जो है 5-6 दिन हो गए होंगे, 1 सप्ताह हो गया होगा, तब से निरंतर कागज मांग रहे हैं और निरंतर जो है कभी इधर का काम रोक देते हैं, कभी इधर का काम रोक देते हैं और अभी हमें उनकी कार्रवाई से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। नए साल का जश्न मनाने के लिए भारी संख्या में पर्यटक विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल औली सहित जिले के तमाम पर्यटक स्थलों में पहुंच चुके हैं, जिसके चलते कोरोना संक्रमण से उभरे होटल व्यवसायियों के चेहरे खिल उठे हैं। औली जोशीमठ सहित अन्य होटल, रिजॉर्ट, टेंट कॉलोनी 15 जनवरी तक बुक हो चुकी है। औली में पर्यटक एशिया की सबसे लंबी रोप वे और चेयरलिफ्ट का लुत्फ उठा रहे हैं। बता दें कि 8 महीने से रोप वे कोरोना के चलते बंद था, जिसे बीते महीने पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। नए साल को दृष्टिगत रखते हुए काफ़ी संख्या में पर्यटक जो हैं वो औली, जोशीमठ, चौपता वाले क्षेत्रों में जो है उनका आगमन हुआ है। इसको दृष्टिगत रखते हुए सभी थाना प्रभारियों को, सभी क्षेत्राधिकारी स्तर के अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है। हमारे जितने इंटर डिस्ट्रिक्ट बैरियर्स हैं और वहाँ पर लगातार पुलिस के द्वारा चेकिंग की कार्रवाई की जा रही है। नशे का सेवन करके जो वाहन चलाने वाले हैं या ओवर स्पीडिंग जो कर रहे हैं उनके खिलाफ भी जो पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। नाइट कर्फ्यू के संबंध में जो भी दिशा निर्देश शासन द्वारा आए हैं 11 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक, उसको पुलिस के द्वारा इन्फोर्स करवाया जा रहा है। जगह जगह जो है हमारे थाना प्रभारियों द्वारा लोगों को इस संबंध में अवेयर भी किया जा रहा है और जहाँ जो है जिनके द्वारा इसका अनुपालन एकत्रित हुए। इसके बाद सभी कर्मचारी जुलूस की शक्ल में कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे, जहां पर सभी कर्मचारियों ने मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस मौके पर कर्मचारियों ने कहा कि वो अपनी 4 सूत्रीय मांग समान कार्य के लिए समान वेतनमान, समान संसाधन, राजस्व निरीक्षक, रजिस्ट्रार, कानूनगो के पदों को एकीकृत किए जाने, 16वें बैच के राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण और राजस्व निरीक्षण क्षेत्र का पुनर्गठन सहित समवर्गीय कार्मिकों को स्वीकृत वेतनमान का लाभ 2006 से दिए जाने की मांग को लेकर आंदोलित है, लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई भी सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई है। हमारी मांगे चार, मुख्यतः हमारी चार मांगे हैं। नंबर 1, RKS के एकीकरण न किया जाए। नंबर 2, राजस्व क्षेत्रों का पुनर्गठन और कानूनगो सेवा नियमावली, समान कार्य के लिए समान वेतन और उच्चीकृत वेतनमान का लाभ 1 जनवरी 2006 से दिया जाए। ये चार हमारी प्रमुख मांगे हैं। ये मांगे हमारी पूरी नहीं होती है तो हम लोग तब तक हटेंगे नहीं, वापस नहीं आएंगे। कलम बंद हड़ताल पर हैं और यथावत बने रहेंगे जब तक सरकार हमारी मांग। हड़ताल से क्या कार्य प्रभावित हो रहे हैं? सरकार हड़ताल से लोगों के जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, स्थायी निवास, भूमि संबंधी सारे कार्यक्रम बंद हो रहे हैं और लोग हमें बार बार निर्वाचन कार्य हमें बार बार फोन भी कर रहे हैं तो हम इसमें तो तब तक नहीं कर सकते हैं। और उत्तरकाशी में कच्ची शराब का कारोबार चरम पर चल रहा है, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने आबकारी विभाग से की, जिसके बाद आबकारी विभाग की टीम ने जिला मुख्यालय के नजदीक कोठियाल गांव में छापेमारी की और कच्ची शराब बनाते हुए नेपाली मूल के युवक को रंगे हाथ पकड़ लिया। बता दें कि युवक लंबे समय से कच्ची शराब का कारोबार करता था। उत्तरकाशी में 2 दिन पहले जिले के ऊपरी इलाकों में हुई बर्फबारी के बाद गंगोत्री धाम सहित हर्षिल घाटी बेहद खूबसूरत लग रही है। बर्फबारी के बाद पर्यटक गंगोत्री धाम और हर्षिल घाटी का रुख कर रहे हैं। वहीं गंगोत्री धाम में बर्फ के बीच गंगा नदी को बहता देख पर्यटक भी बेहद खुश हैं।
वहीं हर्षिल बर्फबारी के बाद गिरा पाला सड़क पर जानलेवा साबित हो रहा है, जिसको देखते हुए प्रशासन ने रात 8 बजे के बाद हर्षिल घाटी के लिए भटवाड़ी और बैरियर लगाकर पर्यटकों के वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।